मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस कॉल्टन ने किया था। बुद्धि क्या है, इस पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। इसकी अलग अलग परिभाषा दी गई हैं, लेकिन सामान्य अर्थों में बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, ज्ञान, समझ, चातुर्य, योग्यता, श्रेष्ठता से संबंधित होती है। बुद्धि अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये दिखाई नहीं देती, इसको छूकर और देखकर नहीं समझ सकते, बल्कि व्यवहार को देखकर जान सकते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति का व्यवहार देखकर हमको ईमानदारी के गुण का पता लगता है, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहार से उसकी बुद्धि का पता लगता है। इसके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी हैं, जिसमें से कुछ मुख्य ये हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टर्न के अनुसार, बुद्धि जीवन की नई समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है। स्टर्न कहते हैं कि बुद्धि के से व्यक्ति जीवन की जो समस्याएं हैं और परिस्थितियां हैं, कंडीशंस है, उससे एडजस्टमेंट करने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ट ने कहा है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। बर्ट कहते हैं ये बुद्धि की क्षमता व्यक्ति में जन्मजात होती है, जन्म से होती है, और इससे ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में समायोजन कर सकता है। बंकिंगम के अनुसार, बुद्धि सीखने की योग्यता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को किस तरीके से कितनी जल्दी सीखता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। टर्मेन ने कहा है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता है। अर्थात व्यक्ति अगर अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके विषय में सोच सकता है, तो वो उसकी बुद्धि पर निर्भर है। बिने ने कहा है, बुद्धि उचित ढंग से तर्क करने या उचित ढंग से निर्णय करने की योग्यता है। अर्थात बुद्धि हमको तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग पावर डेवलप करती है और हमें डिसीजन पावर बुद्धि देती है। गैरेट ने कहा है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ऐसे आपने देखा कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने उनकी अलग अलग परिभाषा दी है। इसी क्रम में बुद्धि की एक व्यापक परिभाषा वेस्लर ने दी है। इन्होंने कहा है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। अर्थात वेस्लर ने इसमें बुद्धि में कार्य करना, चिंतन करना और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता को बुद्धि कहा है। इन्होंने सभी बातों का समावेश ले लिया। इन सब परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, जो निम्न प्रकार हैं। बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। अर्थात बुद्धि हमको समस्या समाधान करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। इस बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अपने ज्ञान का स्थानांतरण कर सकता है, अपने ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में कर सकता है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, जन्म से व्यक्ति में बुद्धि उपस्थित होती है। बुद्धि भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता है। हमारी जैसी बुद्धि होगी, हम उसी अनुसार कार्य करते हैं। बुद्धि के प्रकारों की बात करें तो बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसके तीन प्रकार बताते हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। लेकिन थॉर्नडाइक ने इसके पांच प्रकार बताए हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि
वह है जो विचारों, प्रतीकों, संपत्तियों, अमूर्त कल्पनाओं में प्रयुक्त होती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास इस प्रकार की बुद्धि है, वो आगे चल के दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, चित्रकार या वकील बनते हैं। मूर्त बुद्धि का संबंध वस्तुओं के संबंधों को समझने और संगठन के निर्माण में होता है। इसको अन्य यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि के नाम से, मैकेनिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसी बुद्धि हो, वह आगे चल के इंजीनियर या कुशल कारीगर बनता है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वह बुद्धि जो सामाजिक परिस्थितियों में एवं अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य करने में उपयोग में ली जाती है, सामाजिक बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति जिसमें सामाजिक बुद्धि की मात्रा अधिक हो, वो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबंधक या प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। संवेगात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण की क्षमता रखता है, विभिन्न परिस्थितियों में अपने संवेगों को नियंत्रित कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर नेता, अभिनेता, कलाकार या प्रशासक बनते हैं। लास्ट है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि जिस व्यक्ति में है, वो धार्मिक कार्यों में, सत्संग में, भजन में अधिक उसकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति आगे चल के साधु, संन्यासी या फिर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं।